नगर में ऑफिसर्स कॉलोनी जाने वाले चौक से सुबह गुजर रहे लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि सड़क किनारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे आम लोगों की तरह बैठे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रदेश का मुखिया एक आम आदमी की तरह सड़क किनारे छोटे से ही टी स्टॉल पर चाय पीते हुए लोगों से बात कर रहा है। आमतौर पर लोग मुख्यमंत्री को काली गाड़ियों के काफिले में ही सड़कों पर या किसी कार्यक्रम में मंच पर बैठे देखते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो कभी कभी उनसे औपचारिक मुलाकात हो जाती है, लेकिन यह पहला मौका था जब सीएम इस तरह रायपुर की सड़क के किनारे बैठे थे। वे करीब आधे घंटे तक वहां बैठे रहे। मुख्यमंत्री के हाथ में उनकी फेवरेट काली चाय थी। उनके बगल वाली कुर्सी पर प्रभारी पीएल पुनिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठे थे। उनके साथ मंत्री शिव डहरिया, छाया वर्मा, विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय और मेयर प्रमोद दुबे और किरणमयी नायक थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां राजीव भवन से आए थे। वे वहां सद्भावना दिवस के कार्यक्रम में शरीक होने गए थे, उसके बाद इस चौक पर आए थे। ये चौक कुलदीप जुनेजा का अड्डा है। विधायक कुलदीप जुनेजा अक्सर इसी चौक पर बैठते हैं। वे यहां से गुजरने वाले लोगों का अभिवादन हाथ जोड़कर करते हैं। इस वजह से जगह का नाम नमस्ते चौक में पड़ गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।